दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे या कहीं ट्रैफिक जाम है तो ऐसी जगह पे जब नए ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो उनसे गाड़ी रोकते समय और आगे बढ़ाते समय अक्सर गाड़ियां बंद हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जानते हैं ऐसी जगह पे गाड़ियाँ क्यों बंद हो जाती हैं। देखिए, पूरा क्लच छोड़कर कोई भी गाड़ी चला सकता है। आप 2 दिन गाड़ी चलाना सीखेंगे, आपको आ जाएगा। रोड खाली है तो पूरा क्लच आप छोड़ेंगे, गाड़ी चलता रहेगा। लेकिन एक अच्छा ड्राइवर आपको बनने के लिए हाफ क्लच का जजमेंट बहुत अच्छे से लेना है, बहुत अच्छे से लेना है। उसमें थोड़ा सा भी कमी आपको नहीं करना है। अगर आपको हाफ क्लच के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिस वीडियो में मैं आपको हाफ क्लच के बारे में अच्छे से बताया हूँ कि आप हाफ क्लच का जजमेंट कैसे ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि हाफ क्लच चलाने से गाड़ी का क्लच प्लेट जल्दी ख़राब होता है, जल्दी जल जाता है। हाँ, ये बात सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन अगर आप किसी शहर में गाड़ी चलाते हैं तो शहर में क्या होता है कि इतना ट्रैफिक रहता है, इतना सिग्नल रहता है कि आपको पूरा क्लच छोड़कर गाड़ी चलाने से ज़्यादा हाफ क्लच में गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? अगर आप बिगनर हैं, नए ड्राइवर हैं, आपको नहीं पता है तो आपसे गाड़ी बंद होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, हाफ क्लच का जजमेंट अच्छे से ले लेना है, भले ही 10-15 दिन लग जाए आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।